मशीन में जब मैनुपुलेशन है, जब मशीन में वोट निकलेगी तभी तो जीतेंगे। अब मशीन में मैनुपुलेशन है, वोट आदमी कहीं डालता है, वोट चली कहीं जाती है, तो ये तो हो गई होगा। आप कैसे राउंड हमें शाह और मोदी जी की इच्छा पर है, किसको हराना है किसको जिताना है। हमारे साथ कर रहे हैं वो, अपनी पार्टी के अंदर भी कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ता है, एक आध घर भूत भी छोड़ देता है, तो ऐसे इनने छोड़ दिया। एमपी में आए अप्रत्याशित परिणामों के बीच जहां भाजपाई खेमे में उत्साह की लहर है, तो वहीं कांग्रेस अब भी आक्रामक रुख अपनाए हुए है। दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी और अब पूर्व विधायक अजय टंडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा मोदी और सरकार के साथ निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 2.5 साल पहले दमोह में हुए उपचुनाव में 18,000 वोटों से जीतने वाले कांग्रेस के अजय टंडन को इस चुनाव में भाजपा के जयंत मलैया से 51,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ रहा है। ये परिणाम चौंकाने वाले हैं और कल से अब तक लगातार परिणामों की चर्चा भी हो रही है। इस बीच कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हार के कारण बताए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन ने सीधा ईवीएम मशीन को इसकी वजह बताया है। टंडन के मुताबिक मोदी के गुजरात से मशीन आई है और पहले से ही इन मशीनों को सेट किया गया है। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष रतन चंद जैन के मुताबिक ये सब मशीन का खेला है। जनता ने कांग्रेस को अपना मत दिया है, लेकिन मशीनों ने उन्हें हरा दिया। जनता ने जो निर्णय दिया वह स्वीकार है। हम लोग जनता के सेवक हैं, राजनीति में जनता की भलाई के लिए, जनता के काम करने के लिए आए हैं। जो निर्णय दिया वो स्वीकार है, जनता का निर्णय स्वीकार है, लेकिन ईवीएम मशीन का निर्णय स्वीकार नहीं है। ईवीएम मशीन में मैनुपुलेशन है, यह बात आम जनता कह रही है और पूरे प्रदेश की जनता कह रही, छत्तीसगढ़ की जनता कह रही, राजस्थान की जनता कह रही। मशीन में मैनुपुलेशन करके आज भाजपा सत्ता में आई है। जिस तरह से भाजपा की जीत हुई है पूरे प्रदेश में, अधिक मतों से हुई है, इसको लेकर क्या कहें? अब मशीन उनकी है, मोदी जी की मशीन है, गुजरात से आई है, वहीं से मैनुपुलेट होकर आई है। हर बार कांग्रेस यही आरोप लगाती है कि मशीन में मैनुपुलेशन है, लेकिन जहां जीत जाती है वहां ये बात नहीं उठती है। जैसे तेलंगाना में जीत हुई, इसके पहले आपकी उत्तराखंड में जीत हुई है, उसके पहले पंजाब में आप पार्टी की जीत हुई है। हाँ तो ठीक है ना, अब क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव है, वहां नहीं किया होगा, यहाँ तो आम मतदाता बोल रहा है ना कि हमने तो इनको वोट ही नहीं दी, फिर इनको इतनी अधिक वोट कहाँ से आ गई। तो हम तो आम जनता की आवाज़ को मानेंगे, आम जनता की बात को सुनेंगे। और मशीन में मैनुपुलेशन है, आप कैसे चैलेंज करेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी? हाँ, यही तो बात है ना, ये बहुत लंबा खेला है इसमें। और ये हम तो आपको स्पष्ट रूप से कहें कि ये हम लोगों की बस की बात नहीं रही, क्योंकि ये बात है उच्च स्तर की। और जब बड़े बड़े विकासशील देश, अमेरिका जैसे देश, जब बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, और हर पार्टी तो कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, फिर आप बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्यों पीछे हटते हैं? आप देखिए बैलेट पेपर में जो बैलेट पेपर की गिनती आई है उसमें कांग्रेस आगे है, कांग्रेस जीती है। और आप सब जगह का उठा के देख लो, हमें तो अपने दमों की चारों विधानसभा का पता है कि बैलेट पेपर में कांग्रेस आगे है, मशीन में कांग्रेस पीछे है। इसका मतलब है सीधा, और मशीन में मैनुपुलेशन है। और जब विकासशील देश बैलेट पेपर पर चुनाव करा रहे हैं तो चुनाव बैलेट पेपर पर होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, काउंटिंग ही में तो समय लगेगा। काउंटिंग में जितना भी समय लगता है तो लग जाए, क्या पहले बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होता था? होता था, एक दिन की जगह एक रात और जगना पड़ेगा, लेकिन निष्पक्ष चुनाव तो होगा। क्या तो है ना, मशीन में जब मैनुपुलेशन है, जब मशीन में वोट निकलेगी तभी तो जीतेंगे। अब मशीन में मैनुपुलेशन है, वोट आदमी कहीं डालता है, वोट चली कहीं जाती है, तो ये तो हो गई होगा। आप कैसे राउंड जीतोगे? जब मतदाता वोट डालता है तो कांग्रेस ने उसको अवेयर क्यों नहीं किया कि आप वीवीपैट भी देखें कि किसको जा रहा है वोट? देखिए, जो वीवीपैट क्या, जब मशीन मैनुपुलेट है तो जो मशीन में मैनुपुलेशन है वही वीवीपैट में मैनुपुलेशन है।
वीवीपैट में पर्ची दिखती है तो आपके कार्यकर्ता तो वही तो क्या आप सुनिए ना, आम मतदाता कितना जागरूक होगा? आम मतदाता क्या करेगा, वोट ही डालने जा सकता है? मतदाता अपना मत दे के चला आता है, और लोग तो वहाँ इंतजार भी नहीं करते हैं कि वीवीपैट में फोटो दिख रही है कि नहीं दिख रही, बटन चटकाया हो बाहर, बटन चटकाया हो बाहर, और जैसे मशीन मैनुपुलेट है वैसे वीवीपैट में मैनुपुलेट है। खेला उनने हमारे साथ खेला, वही वो अपनी पार्टी के साथ खेल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि ये मुख्यमंत्री की दौड़ में आएगा, हमें शाह और मोदी जी की इच्छा पर है किसको हराना है किसको जिताना है, और वो भी एक लंबे रेस के घोड़े होंगे, तो इनको यहीं पर क्रैश करो, इनको यहीं पर ख़त्म करो ताकि ये आगे चल के कॉम्पिटिटर ना बने। तो जो हमारे साथ कर रहे हैं वो अपनी पार्टी के अंदर भी कर रहे हैं। सिंधिया समर्थक मंत्री भी हार गए, गृह मंत्री भी हार गए, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी हार गए, सांसद गणेश सिंह भी हार गए। मैंने वही कारण बताया ना आपको कि कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ता है, एक आध घर भूत भी छोड़ देता है, तो ऐसा ही इनने छोड़ दिया, नहीं तो जनता क्या कहेगी? कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि चलो फिर ये कैसे हार गए, उसके पीछे राज है, ये सब मुख्यमंत्री के दावेदार लोग हैं, इसलिए उनको हराया गया। फिलहाल की खबर में इतना ही, आगे खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, और बने रहें सिर्फ बुंदेलखंड 24/7 पर शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की जय, बुंदेलखंड, नमस्कार। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग, बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।